बंदे पुरुषोत्तमम, वास्तव जीवन में धर्म परिपालन होना चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी ने बातचीत के क्रम में कहा कि धर्म वास्तव जीवन में परिपालन होना चाहिए। मैं सन्यास चाहता हूँ, किंतु वेशभूषा से सजाया हुआ सन्यासी मात्र नहीं चाहता हूँ। नाम जप करना एवं इसमें गमन करना ही होने एवं पाने का पथ है। नाम सार्थक होता है नामी में, इसलिए वैशिष्ट्यानुसार नामी अर्थात इष्ट का चलन चरित्र स्वयं में ढालना होगा। केवल यजन करने से ही नहीं होगा, याजन नहीं करने से यजन व्याहत होता है, यजनहीन होने से याजन नहीं होता है। याजन ऐसा फल देता है कि साधना में भी वैसा फल नहीं मिलता है। मनुष्य यदि आत्माभिमान शून्य होकर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठार्थ जो कुछ करता है वह जीव मुक्त हो जाता है। जीव मुक्त का अर्थ देह मुक्त नहीं बल्कि देह रहते मुक्ति। गीता में है, मैं ही करता हूं, यह अभिमान जिसे नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं है, वे समस्त प्राणी की हत्या कर भी हत्याकारी नहीं है एवं हनन का फलभागी नहीं है। अर्थात जो जन्म प्राप्त कर कायमनो वाक्य से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होकर चलता है, वह शरीर में रहकर भी शुद्ध बुद्ध मुक्त है। देहातीत आत्मा विच्युत नहीं होता है। गोपाल कहता था कि वर्तमान में मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, यहाँ के लोग अपना हैं, यहाँ के लोग भी मुझे अपना समझते हैं, किंतु मरने के बाद मैं दूसरे स्थान पर जन्म लिया तब वहाँ के लोग अपना हो गए। यहाँ के लोगों से कोई संपर्क नहीं है, संसार में कोई चिरंतन अपना नहीं है, जो चिरकाल से अपना है उनसे ही संपर्क रखना है। गोपाल की बात बिल्कुल सही है। गोपाल श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त थे। आलोचना प्रसंग षोड़श खंड पृष्ठ संख्या 33 दिनांक 7/8/1949। जय गुरु।